नमस्कार सहरर छोट बड़ खबर सह आज स्पीड न्यूज को स्वागत करुच्छी मुरनिता। पिपल कटा जंगल रु 20 बस्ता महुल पोच नष्ट कला पुलिस। गत 19 तारीख में जिले में देशी मदर बन्या को नहीं लाइव ओडिशा न्यूज खबर प्रसारण होगा पर वर्तमान जागी उठी जिला प्रशासन। जिला आरक्षी अधीक्षक देवी प्रसाद दास निर्देश में उलुंडा पुलिस एक टीम गठन कर तदंत आरंभ कर सेपटे अबकारी विभाग एप्रति कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बेले विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर महुल पोच नष्ट तेरे एवं सुधा यह मामलें कौन अभियुक्त को गिरफ्तार। स्वर ब्लॉक सरसंख पंचायत रे कांग्रेस कर्मी माने बीजेडी रे शामिल होती। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक उन्नतिमूलक कार्य देखी कांग्रेस रो शताधिक कर्मी शामिल होगा देखा मिली। एक मिश्रण पर्व में विधायक परशुराम धड़ा सह विजु जनता दल समस्त कर्मी माने उपस्थित रही। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विकास आज समग्र ओडिशा आगे लक्ष्य कर दीर्घ 20 वर्ष पूरी 21 वर्ष चलती पंचम थर पर से आज मुख्यमंत्री भाव शासन शासनाधीन होती ओडिशा जनसाधारण मर्मे मर्मे उपलब्धि करते ओडिशा रे जदि कहीं साधारण गाँ गुंडा रोकवा गरीब लोकर हृदय कथा बुझी से हूँ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विजु जनता दल को आज समस्ते भल पाँच आगामी दिन में आहरी अनेक परिवर्तन हम एवं स्वर निर्वाचन मंडली निश्चित भाव विकास पाद छुईब एवं ये निर्वाचन मंडली एक अग्रणी निर्वाचन मंडली परिणत हो समस्त स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद अच्छी। ढेंकनाल कामाख्या नगर मुख्य रास्तार बीजाडीह निकटे कार और बाइक मुहांमुही धक्का जड़े गुरुतर गुरुतर जनक होती सारुआली गांवर सुब्रत कुमार परिडा। से घर को फेरुवा समय भारसाम्य हर दुर्घटनार शिकार होते गुरुतर अवस्था स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करवस्था गुरुतर होवु कटक बड़ मेडिकल को स्थानातरित कर। बिशोई ब्लॉक खड़मबेड़ा पंचायत बिरसा मैदान में बामन घाटी मुंडा सांस्कृतिक महोत्सव अनुष्ठित हो अवसर में केन्द्र मंत्री आदिवासी अर्जुन मुंडा समेत सांसद विशेश्वर टुडू पूर्वतन सांसद रामचंद्र हांसदा और विधायक मुडान मुर्मू प्रमुख जोगदे पूज्य बिरसा मुंडा जयपाल सिंह रामदयाल पुंडांक प्रमुख फटोचित्र पुष्पाजलि अर्पण करते यहसह अनुषित हो करम नाच प्रतिजोगित भाग नहीं प्रतिजोगी मानू पुरस्कृत करते अंपटे हजार हजार लोकों भिड़ को नजर में रखी पुलिस फोर्स मुतयन कर। आदिवासियों का संपूर्ण विकास हो यह मंत्रालय इस बारे में तत्परता से काम कर रहा है। हम हर ब्लॉक स्तर तक जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से एवं है हम एक नया एकलव्य विद्यालय सभी क्षेत्रों के लिए दे रहे हैं ताकि वहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए हो और क्वालिटी एजुकेशन हो वहाँ पर स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटीज हो यह सारी चीज़ों को ध्यान में। जिलार डाबुंगा ब्लॉक्रु प्रत्येक दिन हजार हजार गाई गोरु और मईंसी चलाण अभियोग आसी। जिला प्रशासन नाक तले बेआईन भाव यह कार्य होता बेले प्रशासन यह प्रति दृष्टि देना एने बारंबार जिला प्रशासन निकट में अभियोग करोसी सुफल मिल ना बेले दिनक दिन यह बढ़िवे लगी। सेपटे पुलिस गोटे ट्रक सह 24 टी मईंसी उधार करन को गिरफ्त कर जो गोटे सक्रियता देखी तो देखिए खुशी लगेगा कितना बहुत दिन दुख थी मन में जे प्रतिदिन गला भाया जाऊला गाई मईसी सब ट्रक मानक खुंदी खुंदी कर बड़ अकथन निर्यातना देकर नौले बहुत गुड़ाए समय अनेक थर आम देखीचुजे से कार गुड़ हाथ भांगी जाता किए मरी जाते से ट्रक बड़ कदर्ज कर जहाँ प्रथम आरंभ हो सरकारी जिला प्रशासन सरकारी कर्मचारी मान को कहवाक जाऊँ टिके पैसार लाभ लगे कि पकेट गरम लगे के गोमाता हत्यार शिकार होते मैंने भी बुझी पार ना आम अनुरोध करवाक चाहूँ जे पीसी खाइबा बंद करूँ से ही मंथली जो पड़ी आस गोरु बेपारी मन मसक एतक लक्ष लक्ष टाँव लगी निजर घर स्वार्थ देखि के गोमाता के निरीह पशु मान को बड़ी में चढ़ाऊँ पाप बुले बुलिक अभिशाप हो लगे। जिला प्रशासन एमती मूर्खामी जो राति राति लक्ष लक्ष गाई ट्रांसफर हो मात्र जापार ना कि आज उमरकोट थाना रो पुलिस प्रशासन टी सजग हो गाई गाई को गाई गाड़ी को धरिकी ताकू सीज कर पुलिस वाला मैंने पुणी
ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଅସହାୟ ରୋଗୀ ମହିଳା। ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମହିଳା ସୀତେଇ ସାନ୍ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ନଦୀକୁ ପାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ମୁର୍କାର ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କଲେ ବୟନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀ କ୍ରିଷାନଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ନାରାୟଣ ବିଷୋଇ ଓ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଙ୍କିସ୍ଥିତ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ 27ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିନିୟର ବଲ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମହିଳା ଦଳ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ 2-0 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୁଷ ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳକୁ 2-0 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଯୁଗ୍ମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2-0 ସେଟ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚମ୍ପିୟାନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଣା ଯୋଗଦେଇ ଚମ୍ପିୟାନ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ମାଇନିଂ ଏରିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BSAL। ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମକାର ଉପଦେଷ୍ଟା ରସାନନ୍ଦ ବେହେରା। ଆସନ୍ତା December 22ରୁ 8ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥିରେ 15 ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବେ 10 ଖେଳାଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।